हाय सर, मैं सपना हूँ। हाय सपना, और फिर क्या हालचाल? जीना कहाँ है? प्लीज होल्ड कीजिए सर, इवनिंग का न्यूज अभी पूरा हुआ। ओके। आपका शूटिंग कैसे चल रहा है सर? अच्छे से जा रहा है, थैंक यू। मैं अभी उसे देती हूँ। तुम्हारा फ्रेंड है? हाँ राज। क्या बात है, तुमने बहुत ही सीरियस मैसेज भेजा। उससे भी बुरा वाला भेजने वाली थी मैं। वो क्या है? Are you going to marry me or not? वो फिर क्यों नहीं सेंड किया? पहला फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर को वर्क के बीच में नहीं डिस्टर्ब करूंगी, ऐसा सोचा मैंने। शादी करनी चाहिए या नहीं? ओ मेरी जीना, तुम्हें पता है ना, इसी प्रश्न का जवाब ढूंढते ही मैं भी निकला हूँ। कादर और जमीले के जी से कितना अच्छा है उनका जिंदगी, हम भी वैसे जी सकते हो ना। सुनो जीना, जब हम किसी से प्यार करते हैं उनका सिर्फ अच्छी चीजें हम देखते हैं। किसी की अच्छाई से कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन एक पार्टनर की खामियां को और उसकी बुरी आदतों को एक्सेप्ट कर सकते हो, वही बड़ी बात है। मैंने ऐसे कुछ किया तो तुम मुझसे पूछ सकते हो ना। जीना, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। कुछ बातें हैं जब जनरली बोला जाता है उसको पर्सनली मत लेना चाहिए। तुम्हें पता है मैं कितना तुम्हें चाहता हूँ। यू आर द बेस्ट आई कैन गेट। फिर क्या बात है। सिनेमा सिर्फ वही है मेरे मन में। अगला स्टोरी क्या है? दार एस सलाम। उसका मतलब समझते हो? शांति निकेतन है। भूल गया क्या, हमारा घर की वही नाम रखा था ना। यू नो जीना, मैंने जब खादर और जमीला की फिल्म बनाई थी, मैंने वो स्क्रिप्ट पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। एक स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड के बिना असली जिंदगी के बारे में होगा मेरा अगला फिल्म, अ काइंड ऑफ रिक्रिएटेड रियलिटी। और उसमें एक कैरेक्टर तो ये डायरेक्टर ही है ना। दो साल के पहले मैं उनसे मिला था, मेजर फेडरिक और उनकी बहुत ही सुंदर बीवी रीता। जो भी बात आपने उनके बारे में बोला था ये तो मैं कभी भूल नहीं सकती, है ना। उसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में आपने जो बोला था, हाँ लड़का रेडी टू सरेंडर ही बोल सकते हैं, ऐसा भी बोला था, ये भी नहीं बोली मैं। ठीक है डायरेक्टर साहब। तुम जिससे प्यार करते हो उससे कुछ भी बोल सकते हो। एक चुम्मा देने से वो सब कुछ भूल जाती है। लेकिन जिससे शादी करने वाले हो उससे सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। जिस्म की भूख खत्म होने के बाद वो सब कुछ याद आती है। फिल्म के बारे में बताओ। रीता और मेजर, जिन लोगों से मैं मिला था, वो सबसे खुश कपल थे। लेकिन उन दोनों में से सिर्फ एक ही अब जिंदा है। वो दूसरे इंसान को ऐसे क्या हुआ होगा? क्रिसमस। हाय हाय, यहाँ कैसे? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ हाय राज, व्हाट अ सरप्राइज। मेजर आइए आइए, अंदर आइए।
पुराने दोस्त कोई आते नहीं है। रीटा के मरने के बाद सब सुनसान हो गए। बात करने के लिए कोई चाहिए ना? 24 साल मेरे साथ जिंदगी बिताने वाली सिर्फ एक औरत नहीं थी रीटा। आपका दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेजर मेरा दुख आपको पता नहीं है। मैं नहाने के लिए जा रहा था। If you don't mind, it's okay, major. You carry on. पीने के लिए क्या चाहिए, ठंडा या गरम? कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे, एकदम अकेला। पढ़ने के लिए कोई बुक्स? I'll be happy with myself. Okay.
2 साल पहले की बात है। एक हॉलीडे टाइम पे समुद्र के पास वाली होटल 3 दिन तक मैं रुका था। Excuse me, sir. Would you mind to accommodate 2 more persons here? Okay, no problem. Please come, sir. Madam. Sir. Sorry, आपको तकलीफ हो गया. Hey, it's all right. Please. I'm Major Frederick. Hello. And this is Rita. Please. Please. I'm Raj Karti. Sir. You 2 plates of... सीजन टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ है। दुनिया के बहुत जगह पे हमने जा चुके हैं लेकिन इतनी बढ़िया एम्बियंस हमने कहीं नहीं देखा। By the way, Mr. Raj, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ। नॉर्थ इंडिया में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है। मेरी एक डिप्लोमा फिल्म का लोकेशन स्काउटिंग में हूँ। बीच का एक बैकग्राउंड में ही कहानी होती है। Oh, great. So you are staying here for that? Yeah, but I will leave this place within 2 days' time. Actually, मेरा कैमरा क्रू कैंप कर रहे हैं हाई रेंज में। एक्चुअल लोकेशन उधर है। That's wonderful. हम भी तो वहीं पर रहते हैं ना? टॉप में दारू सलाम कभी कभार वीकेंड में ऐसे नीचे आता है। अभी 2 hours ड्राइव। ओके। हैव इट। ओके राज, कीप माय कार्ड। जरूर घर पे आने का। ओके। नाइस टू मीट। नाइस मीटिंग यू टू। गुड नाइट। खाना। कुछ दिनों में ही मेरी मुलाकात फिर से हुई। मेजर का ही एक प्रॉपर्टी में मुझे शूट करने के लिए परमिशन चाहिए था। मेजर ने भी खुशी खुशी परमिशन दिया। कैसा चल रहा है सब? सो फार सो गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेजर। सी यू। शॉर्ट फिल्म की शूट खत्म करके पूना लौट जाने से पहले
मैं फिर से उनके घर गया था। मुझे उनसे शुक्रिया अदा करना था और उसके साथ ही रीता से भी मिलना चाहता था। हर वक्त आपका यहाँ स्वागत है, जब भी जी चाहे यहाँ चले आना। Okay. कोर्स कंप्लीट करके अगला प्लान क्या है? एक फिल्म करना चाहता हूँ मैं। That's excellent. All the very best, young man. Okay. Thank you. See you next time, Major. You know, there is a very nice dip in salsa to say goodbye. Chalo, darling, let's do it. Why not? Please. Goodbye. That was so nice. thank you very much. वापस चलते वक्त मैंने सोच लिया था, यही नाम दारुसलाम, शांति का ही एक मकान दारुसलाम। आने के लिए बहुत जल्दबाजी था। बहुत अरसों के बाद समुद्र के पास आके एक होटल में ठहरा था। तुम्हें बहुत कुछ बदला ही दिखाई दे रहा है। रीता के सामने एक जवान और ताकतवर आदमी बनके रीता के सामने जाना चाहता था। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हाय, यहाँ कैसे आना हुआ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कम कम डार्लिंग, कम आउट। कौन आए देखो ना। हाय राज, आइए आइए। हाय, ऊपर आइए, इधर बैठते हैं। ओके, कम या आज खाना यहीं से खाते हैं। उसकी जरूरत नहीं है वो सब। Don't stand on ceremonies. Just call me Rita. Okay. Go ahead. I'll join you. All right. Dinner से पहले दो हो जाए, right? Thanks. मैं उतना पीता नहीं हूँ. Occasionally? कुछ parties में जाता हूँ तब थोड़ा बहुत पी लेता हूँ. ग्लास हाथ में लगेगा और फिर थोड़ा सा पीता हूँ. That's good. That's good. That's very good. Then, cheers. Cheers. ये रास्कल कौन है मालूम है? हमारा बेटा है। ये सिर्फ एक ही औलाद है हमारा। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा है। 5 साल हुए इनसे मिलके। कभी कभार हमें फोन करने के लिए हिचकिचाता है बहुत। उनके लिए कुछ भी खर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन
वो साले एक नंबर का हरामी है। अपने डैडी की तरह। हाँ मेरे को बस थैंक्स। जब से हम यहाँ आए हम अकेले हैं। मेरा कोई जान पहचान नहीं है यहाँ पे और बनाने के लिए कोई इच्छा भी नहीं है। आओ प्लीज खाइए। हाँ थैंक यू थैंक्स। थैंक यू। हाँ आपको स्वीकार करने के लिए एक फैमिली तरस रहा है और यहाँ पे मैं कोई नहीं हूं और फिर भी एक गेस्ट बन के रह गया हूं। टू बी फ्रैंक मेजर, आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर इट्स रियली वेरी वंडरफुल। शादी के बाद ही मैंने सब जीता है। मेरे गांव से जब मैं बाहर निकला सबके लिए एक बड़ा दिलासा था। मेरे जाने का खबर सुनके सब खुश। भारत से बाहर विलायती सैनिक में काम करने के लिए मैंने अपना नाम बदल दिया। बरसों के बाद मैंने जब वापस आया, पुराने रिश्तों को जब मैंने खोजा, माँ के तैयार किया हुआ शादी में जब मैंने दूल्हा बन के आया, रीता को पहली बार मिला, जिंदगी वहीं से मेरा बदल गया। She is my lucky angel. ये रोज का आदत है, हर रात सोने से पहले एक छोटा सा गाना।
मेरा हृदय का धड़कन मुझे सुनाई दे रहा था। एक पल के लिए मैं मरने और मारने के लिए भी तैयार था। एक पल के लिए तुमने जब मुझे छुआ, तब से मैं और ताकतवर बन गया हूं। और उसके बाद मैं उनके घर के सामने आ गया था। एक पल के लिए मैंने सर ऊपर किया और इस पल में मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। एक चुम्मे के साथ मैं पूरी दुनिया हड़प कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ। उसका क्या ख्याल है?
नहीं आया, वो नहीं आया, आएगा भी नहीं। चलो पहले मैंने सोचा था इधर नहीं आना है, यहां आऊंगा तो आपकी बीवी के बारे में मैं सोचता हूं। बोलो, सुनते हैं, बोलो। रीता का गुजर जाना दैट वाज अ शॉक। बहुत जन को मेजर रीता वो एक फरिश्ता थी, जिनसे भी वो मिलती थी उनको सिर्फ प्यार और मोहब्बत बांटती थी, एक एक तारा की तरह उनकी जिंदगी पाला था। जी हाँ, बोलो। मेरी जिंदगी में मैं जिनसे भी मिला हूं उनमें सबसे यादगार, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, एक संगीत की तरह वो मेरे मन में है। आपको शायद मालूम नहीं है मैंने क्या खोया, आपको नहीं मालूम। लो, वहीं पे वो आराम कर रही है। वहीं पर उनका इमारत बनाने का, एकदम सन्नाटे में अकेलापन ढूंढ के जा रही थी वो हर वक्त। उनके लिए एक ताजमहल बनाऊंगा मैं, दुनिया में हर एक आदमी के साथ एक रात बिताने का तोहफा मैं उनको जरूर दूंगा। मेजर आप ऐसे मत बोलिए, शी वॉज लाइक एन एंजल। एंजल? काला पंख वाला फरिश्ता, उनका आखिरी चाहेदार। वो जब थी दारुसलाम जन्नत था दूसरों के लिए, लेकिन मेरे लिए जहन्नम था, आज भी। उन्हें हजार बार मारने का मैंने सोचा था लेकिन नहीं हुआ, हर वक्त वही जीतती थी और अंत में मैं भी। पहली बार जब मैं इस घर से निकला था तो एक परिवार के बारे में एक सुंदर सा तस्वीर था, वो हर दिन मैं सपने में देखता था, दिल में रखता था, लेकिन अब वो तस्वीर नहीं रहा और आंख भी भर आया। मेरी प्यारी जीना, मैं वापस जा रहा हूं तन्हाई के दुनिया में। जो माँ बाप डिवोर्स किया है उनके बच्चे वो डिवोर्स के साथ गुजरेंगे करके बोलते हैं। ये बात सुनो, हमारे पास टाइम नहीं है, माँ और बाप अभी आएंगे, वो लोग पहले आकर पूछेंगे हमारे शादी के बारे में, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तू ही बोलना मैं क्या बोलूँ। तुम्हारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, वो समझेंगे। तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं खुद उन लोगों से वही बोल दूंगी। शादी शादी कानून से नहीं होना चाहिए, कभी कभी शादी फेल हो जाता है,
इसलिए कानून से नहीं होना चाहिए। अगर होटल का खाने में जहर हो तो क्या करेंगे? चिल्लाकर होटल बंद करवा देंगे ना। इससे ही बहुत बड़ा मुश्किल है ये शादी वादी, मालूम है? बार बार करना पड़ता है। कंट्री फेलोस सुनो प्लीज। ओ डिस्टर्ब किया तो माफ करो। सॉरी सॉरी बहन, प्लीज डोंट फील बैड। सॉरी जीना, मैं असल में चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। इसी समुद्र के किनारे में 5 साल का एक बच्चा अकेला बैठा था। माँ बाप के सेपरेशन के बाद 20 साल तक वो अकेला ही था। वो मैंने भूला नहीं, उससे मुझे मोचित किया सिर्फ तुमने। मोहब्बत के बारे में भी मैंने तुमसे ही सीखा है। फिर भी मैं खुद कन्विंस करने में हार जाता हूं। होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो भी बंधन टूट जाने से पहले अगर हमने रियलाइज किया है। मैं जा रही हूं, मुझे उनको पिक करना है। जीना शूटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। हमेशा तुम्हें अच्छे ही हो जाए। थैंक यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ नाउ। गुड नाइट।